हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर के भगवान सदाशिव का ध्यान करेंगे, श्री सीताराम जी का ध्यान करेंगे। ओम ध्याये नित्यं महेशं रजत गिरिनिभं चारुचंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतरममरगणैः व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। पुनः श्री सीताराम जी का ध्यान करेंगे। ओम नीलांबुजस्य मलकोमलांगं सीता समारोह पितवाम भागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। पुनः श्री माता जगदम्बा का ध्यान करेंगे। ओम विद्वद्दाम समप्रभा मृगपति स्कंधस्थिताम भीषणाम कन्या भीकरबाल केटबल सद्धस्ता विरासेविताम हस्तैश्चक्र गदा सिकेट विशिखा शापम गुणम तर्जनी विभ्राणाम मनलाहत्मिकाम शशिधराम दौरिकाम त्रिनेत्राम भजे। ओम अरुल कमल संस्थात रजः पुंज वरणा करयुगल धृतेष्टा भीति युगमाम्बुजाचा मणिमय मुकुलाढ्यालंकृता कल्पजालैर् भवत भुवन माता संततम श्री श्री नमः। पुनः प्रभु श्री मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिग्रहीयताम्। ओम व्यासाय नमः व्यासपीठाय नमः पुष्पं पुष्माल्यां समर्पयामि। श्री राज राम ते हरे देव सारो राज राम तेरे हरे देव तारो 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 हरे देव तारो तो पे तने मनवारो आरती उतारो तो मे तने मनवारो राज राम तेरी आरती उतारो राज राम तेरी आरती उतारो कनक सिंहासन राज तिजोरी सिंहासन राजत जोरी कनक सिंहासन राजत जोरी कनक सिंहासन राजत जोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी छिन छिन पले रोपने हारो छिन छिन दाने कबजी रोपने हारो राज राम ते आरती उतारो राज राम तेरे आरती उतारो बामे भागे सो भीते जग जननी ताने भागे सो लेते जग जननी चरणे विराजते हैं सुते अंजनी चरणे विराजते हैं सुते जननी प्रभु पंकज जुबे हैं विषारो हे राज राम तेरे आरती उतारो श्याम
पीताम्बर सोहे श्याम रतन पीताम्बर सोहे देखे छवि मोने जन मन मोहे देख छवि जन मन मन मोहे सुंदरता परे सर्वसिवारू सुंदर राम तेरी आरती उतारू हे राजा राम तेरी आरती उतारू हे गजानन भूत गणाधिशेभित कपित जंबु फल चारु भक्षण उमासुतम शोक विनाश करकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकज गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः नीलांबुज श्यामले कोमलांग सीता समारोपित वाम भाग पारव महासायक चारु चाप नमामि रामं रघुवन वर्णानामर्थ संघानां रसानां छंद सामपि मंगलानां च करितारु वंदे वाणी विनायक भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण याभ्या विना न पश्यन्ति सीधा स्वतः स्थमीश्वर आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूं मति अनुसार प्रेम सहित या सुनि धरो पधारिए पवन कुमार एक बार बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की श्री हनुमान जी महाराज की जय हो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जय हो सब संतन की जय हो सब भक्तन की जय हो जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश नमः पार्वती पते हर हर महादेव अध्यक्षतम
श्री राम कथा का यह कार्यक्रम इस भव्य पंडाल में आयोजित हुआ है। ऐसी अनंत से संपन्न परम सिद्धास्पद पूज्य चरण महाराज स्वी भगवान के अनुग्रह विग्रह श्रद्धे पूज्य पात्र संत जन पंतनी विद्वजन भगव चरण कमलानुरागी बंधु श्रद्धामयी माताओं श्रीधाम अयोध्या एवं श्रीधाम वृंदावन के पावन भूमि और संत चरण रज से पवित्र हुआ यह दिव्य कथा पंडाल उसके पावन प्रांगण में श्री राम कथा के गायन एवं श्रवण के संयोग योगी श्री हनुमान जी महाराज के आधी राज के भाव में प्रभु कृपा से सुलभ हुआ है। तो श्री हनुमान जी महाराज की मंगलमय अकारण करुणा उत्प्रेरणा के कारण हम सभी लोग श्री सीताराम जी के कथा सुधा का आस्वागन लाभ प्राप्त करें। उसके पूर्व बड़े ही प्रेम से 2 मिनट भगव नाम संकीर्तन मिलजुल करके मस्ती के साथ करेंगे। तो आइए बड़े ही भाव से 2 मिनट भगव नाम संकीर्तन मिलजुल करके मस्ती के साथ करेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। राम जय राम जय जय हरे हनुमान श्री राम जय राम जय जय राम जय जय विग्रह हरे हनुमान श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम जय जय विघ्न हर हर श्री राम जय राम जय जय राम जय जय विघ्न हर हर सभी लोग भाव से गाएंगे मंगल भवानी मंगल हारी प्रभु सुध शरथ अज रविहारी मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुध शरथ अजीर बिहारी अजीर बिहारी मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुध शरथ अजीर बिहारी प्रभु सुध शरथ अजीर बिहारी
राम जी के राम जी हमारे हैं। राम जी हमारे हैं। राम जी के राम जी हमारे हैं। हमें राम जी के राम जी हमारे हैं। राम जी के राम जी हमारे हैं। हमें राम जी के राम जी हमारे हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है।
गोविंद मेरो है मेरो गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है वो गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है मैं आप सब लोग उपस्थित हुए और बड़े ही भाव से आप सब लोग कथा श्रवण करने के लिए आते हैं और बड़ा ही सुंदर लगता है आप सबको देख करके। मन कितना भी दुखी रहता है, आप सबका प्रेम देख करके मन प्रसन्न हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर ठाकुर जी से इतना प्रेम हो, इतना प्रेम करती हैं आप सब। और हम तो कभी दुखी ऐसे भी नहीं रहते, हमेशा सुखी रहते हैं, प्रसन्न ही रहते हैं ठाकुर जी की दया से। और जहाँ पे हम ठहरे हुए हैं, भाभी भी, हमारी भाभी जी बैठी हैं, वो भी खूब भजन करती हैं ठाकुर जी को, खूब सेवा करती हैं दिन भर, देख करके मन प्रसन्न हो जाता है। वहां से आते हैं तो आप जो बचा खुचा रहता है आप सबको देख करके मन प्रसन्न हो जाता है। तो आप ठाकुर जी से कामना करें कि हे प्रभु, हमारी भक्ति सदा के लिए ठाकुर जी के चरणों में ऐसे ही बना रहे, क्योंकि इस संसार में कोई कुछ ले करके नहीं आया है और ना ही कोई कुछ ले करके जाएगा। सिर्फ हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम राम जी के पास से अकेले आए हैं और अंत समय में राम जी के पास पे चले जाएंगे। ना ही कोई किसी को साथ लेकर के आया है, ना ही कोई किसी को साथ में लेकर के जाएगा। और दूसरी बात ये है कि एक कार्यक्रम में चाहे आप जिस प्रकार से भी आ जाते हैं, सबको बराबर फल मिलता है। चाहे इस कथा में कोई पापी आए या कोई बिना पाप किए आए, या कोई मांस भक्षण करके आए, या कोई स्नान करके आए, या बिना स्नान किए आए, या कोई किसी तरह से आए, इस कथा पंडाल में वो व्यक्ति आ जाता है तो सबको बराबर फल मिलता है। जैसे कि आप आग को लकड़ी से जलाते हैं ना, उस आग को जलाते हैं, चाहे वो लकड़ी हरी होती है या सूखी होती है, आप उसमें आग जलाते हो तो पूरा एक समान जल करके राख हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से इस कथा पंडाल में आए हुए व्यक्ति हैं, चाहे वो जिस प्रकार से भी इस पंडाल में आ जाएं, सबको बराबर फल मिलता है। इसलिए आप चाहे जिस व्यवस्था में भी रहिए, भगवान की कथा नहीं छूटनी चाहिए। क्योंकि जब प्रभु श्री राम जी ने माता सवरी को भी नवदा भक्ति प्रदान किया, तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति संतों का संग आहा, संतों का दर्शन करते हैं, और दूसरी भक्ति आप कथा प्रवचन श्रवण करिए। इससे बड़े प्रभागी और कौन हो सकता है? इतना मेहनत करके हमारे सुधीर भैया आपके क्षेत्र में इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन रखा है,
पूरे दिन दौड़ते हैं आपके कार्यक्रम के लिए, आपके फायदे के लिए, आपके लाभ के लिए इतना परिश्रम कर रहे हैं अकेले, केवल उनको फल नहीं मिलेगा, आप जितने लोग इस पंडाल में आ रहे हैं और जिनके कानों तक आवाज जा रही है, सबको बराबर फल मिलता है। कल आपने सती चरित्र का कथा श्रवण किया, अगस्त ऋषि के आश्रम से जब कथा श्रवण करके भूत भाव भोलेनाथ जी और माता सती जी लौटे तो उन्होंने सच्चिदानंद कह के प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चले मनोज नसा। माता सती को संदेह हो गया, ये प्रभु आप इन दो राजकुमारों को सच्चिदानंद कह के प्रणाम कर रहे हैं, कहीं लताओं से पताओं से एक नारी विरह में अश्रुधार बहला रहे हैं, आप कहते हैं कि ये ब्रह्म है। भोलेनाथ ने लाख समझाया लेकिन माता सती के समझ में नहीं आया। भोलेनाथ ने समझाया, माँ नहीं मानी, बाबा ने कहा कि हे देवी जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाही परीक्षा ले हो, यदि तुम्हारे मन में इतना संदेह है तो तुम जाओ उनका प्रेम परीक्षा लेकर के आओ, मैं भगवान नाम संकीर्तन करता हूँ यहाँ पे बैठ के। माता सती चल देती है और सोचने लगी कि ये तो अपने पत्नी के कोज में है, माता सती सीता माता का वेश धारण कर लेती हैं, उन्होंने सोचा अपने पत्नी के विरह में अश्रुधार बहला रहे हैं, मैं क्यों नहीं इनकी पत्नी का रूप हुई धारण कर लूं, अगर वे ब्रह्म होंगे तो मुझे पहचान लेंगे, एक साधारण मानव होंगे तो मुझे सीते सीते कह करके आ करके मुझसे निपट जाएंगे। सीता माता का वेश धारण कर लेती हैं और देखती है कि मेरे प्रभु पीछे से आ रहे हैं, उनसे दो कदम आगे ही चलना प्रारंभ कर देती। लखन भैया की दृष्टि पड़ी, मुस्कुराई कि इस भाभी का रूप धारण करके क्यों आ गई, तब मेरे प्रभु ने देखा अरे ये तो सती मैया है, ये हमारी सीते का रूप धारण करके क्यों आई है यहाँ पे। प्रभु ने कहा लखन माता जी सीते का वेश धारण करके क्यों आ रही आगे, क्या बात है। लखन भैया ने कहा भैया एक काम करते हैं, हम अपने मार्ग को ही चेंज कर देते हैं, मार्ग बदल दो, दूसरे मार्ग पे चलते हैं, मैया को जाने दो इस मार्ग से। मेरे प्रभु ने मार्ग को बदल दिया, फिर मैया ने देखा आह हम जिस मार्ग पे चल रहे थे ये उस मार्ग को ही चेंज कर दिए, अब दूसरा भी मार्ग पकड़ ली, उस मार्ग पे भी चलने लगी। लखन भैया ने कहा ये तो यहाँ भी आई, काम करो फिर तीसरा मार्ग चेंज करो। मैया ने देखा वो तो वो भी मार्ग चेंज कर दिए, फिर मैया उस मार्ग पे चलने लगी। तब जब तीसरी बार माँ सती ने मार्ग को बदला, तब मेरे प्रभु कहते हैं ये लखन रोगी को लगता है कि रोग पकड़ लिया है, तुम जरा यही ठहरो मैं इलाज करके आता हूँ। तब मेरे प्रभु गए और मैया को कहते हैं हाथ जड़ के मैया प्रणाम, फिर भी मैया कुछ नहीं बोल रही है, क्यों, मैया को समझना चाहिए कि वे ब्रह्म है, मुझे पहचान लिए तब तो आकर के मुझे प्रणाम कर रहे हैं, नहीं तो कोई अपने पत्नी को प्रणाम थोड़ा करता है कोई कोई पत्नी को प्रणाम करता है, अब हमारी अयोध्या जी में तो नहीं किया जाता है लेकिन कहीं आपके अतियामा में किया जाता हो तो उसकी बात अलग है, लेकिन एक बात और है ये कलयुग है, कलयुग में करना भी पड़ता है, अगर नहीं करेंगे तो रात्रि को भोजन नसीब नहीं होगा।
माता सती चलने लगी, प्रभु ने कहा मैया प्रणाम, आप इस सुनसान जंगल में अकेले क्या कर रही हो मैया, मेरे पिताजी कहाँ हैं भोलेनाथ। मैया बड़ा जोर से थरथरा के कांप के भागती हैं, मेरे प्रभु ने आके रास्ता रोक लिया। माँ ने सोचा कहीं फिर से मुझे माँ न कह दे। प्रभु ने कहा मैया मैं ऐसे जाने नहीं दूंगा, पहले बताओ मेरे पिता भोलेनाथ जी कहाँ है जो आप इस सुनसान जंगल में अकेले विचरण कर रही हो मैया। मैया वहां से भाग के चली गई और बाबा के पास पहुंचती है। बाबा के पास जैसे ही पहुंची भोलेनाथ ने पूछा कहिए देवी क्या परीक्षा लिया, परीक्षा की विधि बताओ। जो स्वयं ही परीक्षा लेने वाला है, जो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, आज उस ब्रह्म के पास तुम परीक्षा लेने गई हो, ये नहीं पूछे क्या परीक्षा लिया। बाबा ने कहा परीक्षा की विधि बताओ। माँ ने झूठ बोल दिया, कछु न परीक्षा लेन गोसाई, किन प्रणाम तुम्हारे नाही, कुछ भी परीक्षा नहीं लिया है। बाबा ने कहा अच्छा, जब परीक्षा नहीं ली, जब मैं था तो प्रणाम नहीं की, रास्ते में कौन सा गुरु मिल गया है जो तुम प्रणाम करने चली गई अकेले। भोलेनाथ ने कहा मैं ये कैसे विश्वास कर सकता हूँ कि तुम गई हो और उनका प्रेम परीक्षा नहीं ली हो। सती मैया ने झूठ बोल दिया। बाबा ने तुरंत ध्यान लगा करके देखा, तब शंकर देखे उधर ध्यान, सती जो की है चरित सब जाना, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तब शंकर देखे उधर ध्यान, सती जो की है चरित सब जाना, श्री राम जय राम जय जय राम, जय श्री राम जय जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बाबा ने क्या किया, तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती चुकी ने चरित सब जाना, ध्यान लगा करके जब परमात्मा के पास उन्होंने देखा, सारी चरित्र को पल भर में पता लगा लिया बाबा भोलेनाथ ने, और कहने लगे अरे सते तुमने सीते माता का भेष धारण किया है, और तुझे पता सीता तो हमारी माँ है, मेरी माँ का रूप धारण लिया, आज से जब तक ये शरीर रहेगा इस जन्म में, आज से मैं तेरा पति नहीं और तू मेरी पत्नी नहीं। भोलेनाथ मन ही मन संकल्प ले लिए। देखिए ये दो प्रकार से होता है, एक जो होता है संकल्प और दूसरा प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा जो लिया जाता है वो सबको सुना दिया जाता है, बता करके किया जाता है, और संकल्प किसी को बता करके नहीं लिया जाता है। बाबा ने मन ही मन संकल्प ले लिया। माता सती पूछती रह गई कि बाबा आपने कौन सी संकल्प ली, क्या संकल्प लिए,
बीते संबत 787 शंकर सहज स्वरूप समारा लागी समाधि अखंड अपारा चले गए कैलाश पर्वत पे 87,000 वर्ष की समाधि में बाबा देवताओं ने पुष्प की वृष्टि किया बाबा की जय जयकार किया बाबा नहीं बताए लेकिन माता सती समझ गई कि मेरा परित्याग कर दिए बाबा कहने लगे सती आज से तू हमारी माँ हो गई आज से मेरी पत्नी नहीं बाबा ने सोचा अगर मैं सती से कह देता हूँ कि हे सती मैं तुम्हारा परित्याग कर दिया हूँ तो जो सती मुझसे इतना प्रेम करती है अश्रुधार बहला के रोने लगेगी इसलिए बाबा ने बताया नहीं सती मैया भोलेनाथ से बहुत प्रेम करती थी कहा जाता है प्यारे ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए और रन को शीतल करे आप पहुँच शीतल होए कौवा किसका धन हर लेता कोयल किसको क्या दे देती केवल मीठे बोल बोल कर जग को बस में कर ले जाती जग को बस में कर ले जाती एक कौवा भी काला होता है और एक कोयल भी काली होती है और जब कौवा हमारे छत के ऊपर बोलता है तो उसे सब लोग भगाने के चक्कर में लग जाते हैं कि नहीं और जब उसी समय पे कोयल बोलती है तो कोयल को कोई नहीं भगाता है उसकी वाणी को सब सुनना पसंद करता है क्यों मीठी बोलती है कोयल ऐसा तो नहीं कौवा बहुत काला है बहुत खराब लग रहा है और कोयल बड़ी सुंदर लग रही हो ब्यूटी पार्लर से पाउडर लिपस्टिक लगा के आई हो ऐसा तो नहीं कोयल मीठी बोलती है इसलिए उसके वाणी को सब लोग सुनना पसंद करते हैं लेकिन जब हमें अच्छे बुरे का संदेश लाना रहता है तो एक कोयल नहीं एक कौवा ही लाता है लेकिन फिर भी क्यों ऐसी वाणी बोलिए आप हुसी चले हो अगर मैं सती को कटु वचन बोलता हूँ कि हे सती मैं तेरा परित्याग कर दिया तो आज जो सती मुझसे इतना प्रेम करती है मेरी सती दुखी होकर के मुझसे रोने लगेगी बाबा ने संकल्प लेके चले गए बाबा कैलाश के पर्वत पे अब इधर सती मैया अकेले
रहने लगी, बाबा के बिना मन नहीं लगता। और सोचने लगी कि मेरे एक गलती के कारण आज मेरे पति ने मेरा परित्याग कर दिया। देखिए ये नाते रिश्ते एक विश्वास पे चलता है, पति पत्नी पे विश्वास करे और पत्नी पति पे विश्वास करे। ये जो प्रेम है, प्रेम में कभी स्वार्थ नहीं देखना चाहिए। और आजकल के पति पत्नी तो स्वार्थ से प्रेम करते हैं, आजकल के प्रेमी प्रेमिका स्वार्थ से प्रेम करते हैं। आजकल के तुम्हारा प्रेम नहीं मिल गया, हाई स्कूल में फेल हो गए तो स्वार्थ के मारे तुम पॉइजन खा लोगे, सुसाइड कर लोगे, आत्महत्या कर लोगे। अरे तुम इंसानों से अच्छा तो एक पशु पक्षी है जो प्रेम में कभी स्वार्थ नहीं देखता है। आपने चकोर पंछी का नाम सुना होगा, कितने लोग सुने हैं? चकोर पंछी चंद्रमा से बहुत प्रेम करता है, वो एक टक लगा करके चंद्र को देखता रहता है कि मेरे प्रियतम से एक बार मेरा दीदार हो जाए। मैं अपने प्रियतम से दूर रह के अपने आप को कैसे संभाल पाऊंगा, मैं उनके बगैर नहीं जी सकता, आत्महत्या भी नहीं कर सकता। अगर मैं आत्महत्या करता हूँ तो मुझे पाप लगेगा, इसलिए वो चकोर पंछी क्या करता है, सोचता है कि मैं शमशान में जाऊंगा जहाँ चिता जलती है और उस शमशान में किसका वास होता है, कौन से भगवान विराजते हैं शमशान में? भूत भवन भोलेनाथ जी। उस आग के चिंगारी को मैं वहां पे जा करके खाऊंगा तो उस आग के चिंगारी से हमारी मृत्यु हो जाएगी, और मरने के बाद मैं जीते जी अपने प्रियतम से नहीं मिल सकता हूँ तो कम से कम मरने के बाद मैं अपने प्रियतम से मिल लूंगा। जब मैं आग के चिंगारी को खाऊंगा तो हमारी मृत्यु हो जाएगी, और मृत्यु हो जाएगी तो बाबा भोलेनाथ को ताजी भस्म में बहुत पसंद है। और भगवान शंकर के मस्तक पे कौन विराजते हैं? चंद्रमा। बाबा उस ताजी भस्म को अपने मस्तक से लगाएंगे तो मैं जीते जी अगर अपने प्रियतम से नहीं मिल सकता हूँ तो कम से कम मैं अपने मरने के बाद अपने प्रियतम से मिलन हो जाएगी। कहता है हम हैं कितने पास तुम्हारे फिर भी कितने दूर हैं, हम हैं कितने पास तुम्हारे फिर भी कितने दूर हैं। एक नदी के दो किनारे मिलने को मजबूर हैं, एक नदी के दो किनारे मिलने को मजबूर हैं। इतना प्रेम करता है चकोर पंछी चंद्रमा से। सती मैया ने सोचा कि आज मेरे पति ने एक गलती के कारण मेरा परित्याग कर दिया, अब मैं अकेले अपने पति के बगैर कैसे रहूंगी। अब सोचिए जो पत्नी अपने पति से अतन्य प्रेम करता हो और जो पति अपने पत्नी से अनन्य प्रेम करता हो और वो पति उस पत्नी का परित्याग कर दे तो एक पति के बगैर वो पत्नी अपने आप को कैसे संभाल पाएगी। सती आज सोच सोच करके अश्रु धार बहला रही है। एक दो वर्ष के लिए नहीं, 87,000 वर्ष के लिए मेरे स्वामी ने मेरा परित्याग कर दिया। आज मैं अपने पति के बगैर कहां जाऊं अकेले? सती का कहीं मन नहीं लगता, आंखों से अश्रु धार बहला की रो पड़ती है। प्यारे इस संसार में कोई किसी का नहीं होता, कोई आस नहीं है संसार से,
जब तक इस तन में प्राण है तब तक ये मेरी माँ है, मेरे पिता है, मेरे पति है, मेरे पत्नी है। अरे कौन से नंबर के तुम मेरे पति हो और कौन से नंबर के तुम मेरे पुत्र हो? अरे कल तू मेरे पति हुआ करता था, आज मैं तेरा पति हुआ हूँ, परसों कोई और पति हुआ है। कितने नंबर के पति हो बताओ? जब तक इस प्राण है शरीर में तब तक सारे नाते रिश्ते हैं, जब तक इस शरीर से प्राण निकल जाता है इस लाश को भी दो दिन अपने घर में नहीं रख सकते। अरे जल्दी लाश को बाहर निकालो, कहां चला गया तुम्हारा प्रेम, ये कहां चले गए पति पत्नी का प्रेम, कहां चले गए ये नाते रिश्ते? ना ही कोई कुछ में साथ में लेकर के आया है और ना ही कोई कुछ साथ लेकर के जाएगा। क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा जिंदगी के राहों में जो गम के मेले हैं, तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा, तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। फंसा है प्राणी हो, मोह में फंसा है प्राणी, मोह में फंसा है प्राणी, दो चार दिन का मेला है, आना भी अकेला है, जाना भी अकेला है, आना भी अकेला है, जाना भी अकेला है। रहो कोड़ी कोड़ी माया चोरी इसका क्या ठिकाना है, कोड़ी कोड़ी माया चोरी इसका क्या ठिकाना है, कोड़ी कोड़ी माया चोरी इसका क्या ठिकाना है, कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी इसका क्या ठिकाना है, कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी इसका क्या ठिकाना है। करता है जिसपे गुमान हो, करता है जिसपे गुमान, साथ नहीं जाएगा, आना भी अकेला है, जाना भी अकेला है, आना भी अकेला है, जाना भी अकेला है। रहो आया भी अकेला है, जाना भी अकेला है, आना भी अकेला है, जाना भी अकेला।
87,000 वर्ष तक समाधि लग गई बाबा की। 87,000 बाद बाबा की आंखें खुली, राम नाम से सुमिरन लागे, जाने उसती जगत पति जागे। माँ ने जाना राम नाम का उच्चारण सुना, माँ ने जाना कि अब मेरे प्रभु जाग गए। जाय शंभु पद वंदन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। मैया दौड़ते हुई गई, बाबा को वंदन करती है। बाबा ने सामने बिठाया, ये नहीं कि बाम भाग में बैठो, नहीं। क्यों? क्योंकि पहले जाती थी तो बाम भाग में विराजती थी, और आज जब सती मैया पहुंची है तो सन्मुख शंकर आसन दीन्हा, सामने बैठा है। क्योंकि जब से सीते माता का भेष धारण कर लिया है, तब से वो पत्नी नहीं एक माँ हो गई है माँ की तरह। इसलिए सन्मुख शंकर आसन दीन्हा, बाबा ने हाल भी नहीं पूछा कि हे सती मेरी बगैर 87,000 वर्ष तक कैसे रही तुम मुझसे दूर। बाबा ने देखा, चलो सती थोड़ी दुखी लगती है, सती रोने लगी, चलो कुछ कथा श्रवण करवाता हूँ जिससे सती का मन लग जाएगा। बाबा कथा सुनाने लगे। अब ये सोचिए, जो पति अपने पत्नी का परित्याग कर दिया हो 87,000 वर्ष, उसके बाद भी कहे कि कथा श्रवण करो तो क्या मन लगेगा। सती सोच रही है, उस गलती के कारण मैंने गलती क्या कर दिया, आज उसी की सजा मिल रही है। अगर देखिए, इस धरा दाम पे जो भी मनुष्य रूप में आए हैं, एक लीला मात्र के लिए आए हैं। सती मैया स्वयं ही जगत जननी जगदम्बे हैं, तो क्या उन्हें पता नहीं था कि ये ब्रह्म है? क्यों परीक्षा लेने गई? जैसे ही सब लीला मात्र के लिए आए हैं, अपना अपना अभिनय कर रहे हैं। सती मैया यहाँ दर्शा रही हैं कि आने वाले भविष्य में किसी भी स्त्री को अपने पति पे संदेह नहीं करना चाहिए, या किसी भी पति को अपने पत्नी पे संदेह नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हारा पति कहता है, अगर तुम्हारा पति सत्य है, अगर कहता है कि ये सत्य है, तो हाँ सत्य है। किसी भी पत्नी को अपने पति पे संदेह नहीं करना चाहिए। एक पत्नी थी, ध्यान से सुनिएगा, वो अपने पति पे बड़ा संदेह करती थी, इतना ज्यादा संदेह करती थी कि वो अपने पति को छोड़कर भी कहीं जाती ही नहीं थी। हमेशा पति के पास ही रहती थी, उनकी निगरानी में। एक बार की बात है कि उनके मायके में शादी पड़ गया, तो उनको जाना था एक माह पहले। अब सोच रही थी कि पति को छोड़ के मैं कैसे जाऊं, कहीं किसी को बुला ना ले। एक महीने पहले जाना था, एक सप्ताह पहले पहुंची मायके और अपने बेटे को छोड़ दी है। बेटा मैं जा रही हूँ तेरे मामा के घर, अगर तेरे पापा कहीं गए या किसी को बुलाए तो मुझे फोन करके तुरंत बताना। मायके पहुंचते ही तुरंत पति देव जी को फोन लगाती हैं। हेलो, कहाँ हो जी? पति ने कहा मैं घर पे ही तो हूँ। पत्नी ने कहा नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। पति ने कहा नहीं मेरी माँ, मैं घर पे ही हूँ। पत्नी ने कहा तुम मेरी कसम खाओ कि तुम घर पे हो। उन्होंने कहा तेरी कसम खाता हूँ, घर पे ही हूँ। पत्नी ने कहा नहीं तुम झूठ बोल रहे, काम करो किचन में जाओ, बर्तन का आवाज सुनाओ मुझे, थाली प्लेट गिरा करके बर्तन का आवाज सुनाए। पत्नी ने कहा नहीं फिर झूठ बोल रहे हो, किचन में जाओ तुम मुझे मिक्सर चला करके मिक्सर की आवाज सुनाओ। पति ने बटन को टीपा और मिक्सर की आवाज दबा दी, गन 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 मशीन चलने लगा। पत्नी ने सुना तो जी में जी पड़ा। फिर दूसरे दिन फोन करती हुए, जी कहाँ हो?
पति देव ने कहा मैं तो घर पे ही हूँ। पत्नी ने कहा नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, फिर किचन में जाओ, मुझे मिक्सर का आवाज सुनाओ। फिर मिक्सर की आवाज सुनाई, फिर तीसरे दिन, फिर चौथे दिन ऐसे की। अब इतना संदेह कि पांचवे दिन घर पे वापस लौट के चली गई, सब कुछ छोड़ के। आते ही पूरा घर में देखती हैं कि पति देव जी कहाँ गए। बेटा से पूछती हैं, बेटा तेरे पापा कहाँ गए, दिखाई नहीं दे रहे हैं। बेटा ने कहा माँ वो तो आज पांच दिनों से ही गायब है, जब से तू गई है। माँ ने कहा बेटा लेकिन मैं जब भी फोन करती थी तो मुझे मिक्सर का आवाज सुनाते थे। बेटा ने कहा माँ यही तो बात है कि वो साथ में मिक्सर को भी लेकर के चले गए हैं। तो कहने का भाव ये है कि इतना भी संदेह नहीं करना चाहिए पति पे। एक बात और, केवल ये पत्नियों के लिए लागू नहीं है, पति को भी। यदि पत्नी तुम्हारा सम्मान करती है, तुम्हें भगवान मानती है, विष्णु मानती है, तो पति का भी अधिकार है कि पत्नी तुम्हारी आधी अर्धांगनी है, तुम भी पत्नी को आधा दर्जा दो। आधे अंग की मालकिन है, आधा हिस्सा है, उसे भी अर्धांगनी लक्ष्मी मानो। क्योंकि एक पत्नी जो होती है अपने माँ बाप घर द्वार सब कुछ छोड़ करके तुम्हारे घर चली आती है एक पत्नी का फर्ज निभाने के लिए। इसलिए एक पति पत्नी का रिश्ता विश्वास पे चलता है। जब तक दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं बैठेगा तब तक नहीं चलेगा। माता सती यहाँ दर्शाती हैं कि किसी पत्नी को अपने पति पे संदेह नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे भोले बाबा में कोई गलती नहीं थी, सारी गलती माता सती की ही थी। बाबा कथा सुनाने लगे, चलो मैया पर तो आज दुखी लगती है, कुछ कथा सुना देता हूँ जिससे मन प्रसन्न हो जाएगा, मन लग जाएगा सती का। अब बाबा कथा सुनाने लगे, उसी समय पे सती के पिता दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन रखा हुआ था। सबको निमंत्रण भेजे थे लेकिन भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं दिए थे। कैलाश के शिखर से होके सब गुजर रहे थे। सती मैया ने देखा ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं। बाबा से पूछती है कि हे स्वामी ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं, देखिए ना। बाबा ने कहा हाँ देख तो रहा हूँ। सती बड़ी देखिए चतुर बाप की बेटी, चालाक दक्ष का मतलब चतुर, चालाक बाप की बेटी। ये नहीं कहती ये मेरे मायके जा रहे हैं, क्या करेंगे, देखिए आपके ससुर जी के वहाँ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, आपके ससुर जी के वहाँ। बाबा ने कहा हाँ तो जा रहे हैं तो मैं क्या करूँ, तो फिर हम लोग नहीं चलेंगे। अब जो सती मैया की सखियां थी वो इशारा कर रही हैं, अरे सखी तुझे नहीं चलना है क्या। अब सती बिचारी पूछती है कहाँ, उन्होंने कहा अरे तेरे घर पिता के घर इतना विशाल यज्ञ है तुझे पता नहीं। अब सती बिचारी कैसे कहे कि मुझे मालूम नहीं है। सती ने इशारे में कह दिया तुम चलो मैं पीछे से आ रही हूँ। बाबा ने कहा कि हे देवी तुम्हारे पिता ने सबको निमंत्रण पत्र दिया है लेकिन मुझे नहीं दिया है, इसलिए हम नहीं जा सकते और मेरे कारण तुम्हें भी नहीं बुलाए हैं। सती ने पूछा किस कारण मेरे पिता ने सबको बुलाया और आपको नहीं बुलाया। भोलेनाथ ने कहा तुम्हारे पिता दक्ष को प्रजापति के लायक समझ करके ब्रह्मा जी ने प्रजापति का पद घोषित कर दिया और प्रजापति का पद पाते ही इतना अहंकार भर आया तुम्हारे पिता के अंदर। एक बार सभा लगी हुई थी, उस सभा में सभी देवगण पधारे थे और मैं भी था। उस समाज में तुम्हारे पिता पहुंचे,
सब लोग उनके सम्मान में उठ करके खड़े हो गए और मुझे पता नहीं चला, मैं जान नहीं पाए तुम्हारे पिता आए हैं, मैं भगवान के भजनों में लीन था और तुम्हारे पिता बुरा मान गए, उल्टी सीधी गालियां बकने लगे दक्ष कि इस सभा में कोई असभ्य व्यक्ति नहीं रहने चाहिए, जिनके अंदर सभ्यता होगी वही इस सभा में बैठेगा। चारों तरफ लोग देखने लगे, अरे इस सभा में असभ्य लोग कहां से आकर के बैठ गए। दक्ष ने कहने लगा, अरे इधर उधर क्या देखते हो, ये तो तुम्हारे सामने बैठा है मेरा दामाद शंकर। तो उसी में कुछ लोगों ने विनोद किया कि दक्ष प्रजापति जी, जब बाबा इतने ही बुरे थे तो अपने पुत्री सती का विवाह क्यों कर दिए। दक्ष ने कहा, सत्य कहो तो ये मेरी पुत्री के लायक ही नहीं है, वो तो मैंने अपने पिता ब्रह्मा जी के कहने पे इससे अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, कहां मेरी मृग लोचनी जैसी कन्या और कहां ये बावला काला कुलुटा शंकर, सत्य कहो तो मेरी पुत्री के लायक ही नहीं है। उल्टी सीधी गालियां बकने लगे। आज प्रजापति का पद पाते ही इतना अहंकार भर आया। देखिए कई कई लोग ऐसे होते हैं प्यारे, जिन्हें अपने गालियों का घमंड हो जाता है कि मेरे पास इतनी गालियां हैं, मेरे पास इतने पैसे हैं। किसी भी इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए। आज हमारे पास है तो घमंड है, कल मेरे परमात्मा का दिया हुआ सब कुछ है, तुम घमंड करते हो, कल नहीं रहेगा तो घमंड किस बात पे करोगे। कई कई लोग ऐसे होते हैं, बड़ी से बड़ी पदवी पाने के बाद उनके अंदर अहंकार भर आता है। एक बाबा जी थे, बड़े ही सुंदर कथा करते थे, बहुत धन था, 200 गाड़ियां चलती थी, धनवान थे, बहुत पैसे वाले थे और वो कथा बड़ा सुंदर किया करते थे। और बाबा के मुख में एक भी दांत नहीं थे, ध्यान से सुनिएगा। तो जैसे ही कथा होती है तो ये पंडाल है, दुनिया है, पंडाल में अनेकों प्रकार से श्रोतागण आते हैं। मुख्य रूप से तो तीन प्रकार से होते हैं, एक होते हैं श्रोता जो आते हैं मन लगा करके कथा श्रवण करते हैं तो उनकी नैया भवसागर से पार हो जाती है, और दूसरा होता है श्रोता आते हैं इस कथा पंडाल में सोने के लिए, पता नहीं रात भर घर में क्या करते हैं, तो उनकी भी नैया सहेज में भवसागर से पार होती है। और तीसरा सरोता, जब तक इस कथा पंडाल में खड़े रहेंगे एक न एक कमियां निकालते रहेंगे, आज ये कथा नहीं हुआ आज ये कथा हो गया, आज ये भजन नहीं हुआ तो आज राम जी दंडकारण्य में लीला कर रहे हैं, जन्म हुआ ही नहीं कैसे। अरे जब शिव चरित्र श्रवण करोगे तब तो राम जी जन्मेंगे, इनकी पहले जन्म ले लेंगे। मतलब जब तक इस पंडाल में रहेंगे तब तक एक न एक कमियों को निकालते रहेंगे तो ये टेंट अच्छा नहीं बना है, तो आज ये भाई साहब अच्छा नहीं बजाए हैं, तो आज ये भजन छूट गया है, तो आज ये कथा नहीं हुई, मतलब एक न एक कमियों को निकालते रहेंगे। उसी प्रकार से श्रोता लोग बैठे हुए थे और बाबा जी कथा कहने के लिए व्यास मंच पे विराजमान हुए। तब तक बाबा जी के मुख में एक भी दांत नहीं था। श्रोता भाई साहब उठ करके आए और मंच पे कहने लगे, बाबा जी आपसे एक निवेदन है, वो क्या है ना, आप कल से जब कथा मंच पे बैठिएगा कथा कहने के लिए ना, तो रामायण जी से थोड़ा पीछे हट के बैठिएगा, क्यों, क्योंकि आपके मुख में एक भी दांत नहीं है ना, तो थूक निकलता है और वो सीधे जा करके रामायण जी के ऊपर गिरता है। अब बाबा बुरा मान गए, बाबा ने कहा तेरी ये हिम्मत, तू इस कथा पंडाल में कथा सुनने आता है कि मेरी कमियों को देखने आता है, मेरी कमी बताने आता है, चला जाए यहाँ से, कल से इस पंडाल में दिखाई नहीं देना। अब श्रोता भाई साहब चले गए। दूसरे दिन जब आए पीछे छिप करके बैठ गए, बाबा जी व्यास मंच पे कथा करने के लिए विराजमान है और कहने लगे, वो क्या है ना, मैं बहुत दिनों से कथा करते हुए आ रहा हूँ तो मेरी कथाएं सिद्ध हो गई हैं और मैं भी सिद्ध हो गया हूँ,
तो जब भी मैं कथा करता हूँ तो मेरे मुख से गंगा मैया प्रवाहित होती हैं। गंगा जी प्रसन्न होकर के मेरे मुख के द्वारा प्रवाहित होती हैं। ये थूक नहीं है, ये गंगा जल है। अब श्रोता भाई साहब सुन रहे थे, अब तीसरे दिन आए पॉलीथीन में प्रसाद लेकर के। श्रोता भाई साहब बाबा के पास कहे, बाबा जी मुझे क्षमा कर दीजिएगा, वो क्या है कि मैंने जो कल आपको कह दिया पीछे हट के बैठने के लिए, ये जरा मैं प्रसाद लेकर के आया हूँ, आप इस प्रसाद को ग्रहण कर लीजिए बाबा जी। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, गलती स्वीकार किया, लाओ प्रसाद तो पा ही लूंगा। अब बाबा ने प्रसाद लेकर के पाया, अब प्रसाद का कोई स्वाद ही नहीं, मीठा भी लगना चाहिए। बाबा ने कहा ये कैसा प्रसाद है, इसमें कोई स्वाद ही नहीं है। बाबा ने कहा वो क्या है ना, श्रोता भाई साहब ने कहा बाबा वो क्या है ना, मेरे दादाजी और पिताजी की अंतिम इच्छा थी कि जब उनकी मृत्यु हो तो उनके अस्थियों को गंगा जी में प्रवाहित किया जाए, और मैं गरीब बेचारा, मेरे पास उतने पैसे नहीं हो पाते थे कि मैं हरिद्वार जाऊं और दादाजी और पिताजी की अस्थियों को उसमें प्रवाहित करूं, इसलिए आपने कहा कि मेरे मुख से गंगा जी प्रवाहित होती है, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं अपने दादाजी और पिताजी के अस्थियों को इसी गंगा जी में प्रवाहित कर दूं। बाबा चिल्लाने लगे तेरी ये हिम्मत, श्रोता भाई साहब ने कहा बाबा चिल्लाइए मत, आप ही ने तो कहा था मेरे मुख से गंगा मैया प्रवाहित होती है, तो मैंने क्या बुरा कर दिया, मेरे पास उतने पैसे नहीं हो पाते थे, मैंने सोचा दादाजी और पिताजी के अंतिम इच्छा को पूर्ति कर दूं। तो कहने का भाव कि किसी भी इंसान को अहंकार नहीं करना चाहिए, जिस प्रकार से दीमक लकड़ी को खा जाता है उसी प्रकार से अहंकार मनुष्य को अंदर से खोखला कर देता है, विनाश कर देता है। जिस पेड़ में फल लगा हुआ होता है प्यारे, वो पेड़ झुक करके रहता है, खड़ा होकर के नहीं रहता है। आज परमात्मा ने तुझे इतना धन दिया है तो उस धन पे तुझे बड़ा गर्व है, और कल को जब वो परमात्मा अपने सारे दिए हुए धन को छीन लिया तो कल किस चीज पे घमंड करोगे, कहाँ चला गया तुम्हारा घमंड। तो किसी भी इंसान को इतना अहंकार नहीं करना चाहिए। आज दक्ष प्रजापति को इतना अहंकार भर आया इस प्रजापति का पद पाते ही कि मुझसे बड़ा सम्मानित कोई है ही नहीं। भोलेनाथ को ही उल्टी सीधी गालियां बकने लगा, भोलेनाथ ने कहा कि हे देवी यही कारण था तुम्हारे पिता ने बुरा मान लिया और मुझे निंदा करने के लिए सबको निमंत्रण भेजे परंतु मुझे नहीं दिए और मेरे कारण तुम्हें भी नहीं बुलाए। मैया ने कहा तो फिर आप ही ने कहा था मैं तो जा सकती हूँ ना। बाबा ने कहा देखो चार जगह ऐसे हैं जहाँ बुलावे का प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए, एक पिता के घर, दूसरा मित्र के घर, तीसरा गुरु के घर, और चौथा भगवान के कार्य में, भगवान के मंदिर में, भगवान की कथा में। इन चार जगहों पे निमंत्रण का प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए, यहाँ बिना बुलाए भी जा सकते हो, लेकिन जहाँ पे सम्मान नहीं हो वहाँ पे जाने से कोई लाभ नहीं होता। हे सती तुम्हारा जाना उचित नहीं लगता है। सती को समझाए सती नहीं मानी, मुख्य गणों के साथ विदा कर देते हैं, सती प्रेम पूर्वक चली गई। सती जैसे ही पहुंचती है दक्ष ने देखा अरे ये तो सती को बुलाए भी नहीं, और ये चली आई। और दक्ष ने सबको कस करके रखा था अगर बिना बुलाए पे शंकर और सती आ भी जाएं
तो कोई सम्मान नहीं करेगा। किसी ने अगर सम्मान किया तो मैं सबको दंडित करूंगा। आज भय के कारण किसी ने सम्मान नहीं किया सती का। जो देवता लोग आज शाश्वत दंडवत प्रणाम करते थे, आज सती को देख करके अपने मुख को पीछे मोड़ लेते हैं। आग बबूला हो गया दक्ष ने देखा तो सती बड़ी दुखी हुई। सती ने सोचा था कि मैं जाऊंगी तो मेरे पिता कितना प्रेम करेंगे, और आज जैसे ही देखी पिता तो अपने मुख को मोल लिए। जब तक बहनें आती हैं और बहनें भी बहन को ताना मारती, अरे बहन तू आ गई, तुझे तो बुलाया भी नहीं गया था और तू आ गई। दूसरी बहन कहती है तेरा पति भिखारी था, पहले शमशान में विराजता था, भिक्षा मांग करके उधर पूर्ति करता था, अभी बता अभी तेरा पति घर वगैरह बनवाया है या नहीं। सती को बड़ा कष्ट हुआ, रोने लगी सती। लेकिन कहा जाता है प्यारे, संतान चाहे जैसे भी हो जाएं, एक माँ ऐसी होती है, माँ का दिल कभी किसी के प्रति बुरा नहीं सोचता है। माँ का दिल ऐसा दिल है वैसा किसी का दिल नहीं होता है। माँ तो माँ होती है। माता प्रसूति ने देखा कि हमारी सती आई है इतने दिन बाद, और मेरे सती मेरी पुत्री का किसी ने सम्मान नहीं किया। सती को बुला करके कलेजे से लगाई, सती माँ के कलेजे से लग करके रोने लगी, अरे पुत्री इतने दिन के बाद आई है, बता कैसे रही, तुझे मेरी याद नहीं आ रही थी। कहा जाता है प्यारे आज के जमाने में ऐसे औलाद ऐसे संतान हो जाते हैं। कहा जाता है कि पुत्र कुपुत्र हो जाता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। एक दिल्ली की सत्य घटना बता रही हूँ आप लोगों को। एक बड़े ही सुंदर संत थे, एक विधवा माँ थी, एक वृद्ध माँ, वो बर्तन मांज मांज करके अपने पुत्र का लालन पालन करती थी, और गोद में छोटा सा लाल था, और वो माँ अपने बेटे से कितना प्रेम करती है, एक माँ का दिल जानता है। भिक्षा मांग करके पुत्र का लालन पालन करती थी। माँ ने सुना था कि बाबा फरीद को जलेबी बहुत पसंद है, पूरे दिन गई भिक्षा मांग करके जलेबी को लेके आई और लेके बाबा फरीद के पास चली गई, और जलेबी को हाथ में दे देती है, कहती है कि बाबा मैंने सुना है कि आपको जलेबी बहुत पसंद है, बाबा आप ये जलेबी लीजिए और जलेबी को पाइए, मेरा बेटा है मेरे गोद में, मेरे बेटे को आशीर्वाद दीजिए, लंबी उम्र की दुआएं दीजिए बाबा। बाबा ने मना कर दिया, बोला मैया मैं ये जलेबी को नहीं खा सकता हूँ। माँ ने पूछा बाबा क्यों जलेबी को नहीं खाओगे, मैंने सुना था कि आपको जलेबी बहुत पसंद है। बाबा ने कहा आज मेरा व्रत है रोजा का, अगर मैं ये मैया तेरी जलेबी को खा लेता हूँ तो मेरा व्रत टूट जाएगा, और जब मेरा व्रत टूट जाएगा तो मेरा खुदा मुझसे रूठ जाएगा, इसलिए मैं ये तेरे जलेबी को नहीं खा सकता। जैसे ही माँ ने सुना जलेबी को हाथों से ले लेती है, पुत्र को उठा करके आंसुधार बहला करके फूट फूट के रोने लगी, और बेटे को लेके चल देती है माँ, कहती है अरे बेटे आज तेरे माँ को इतना कष्ट हुआ, हम अभागिन है, हम गरीबों के नसीब में तो आशीर्वाद भी लेना नहीं लिखा बेटा, चल बेटे चलते हैं। कहा जाते हैं जब उस माँ का प्रेम पुत्र के प्रति बाबा ने देखा, अश्रुधार बहलाते हुए तो बाबा ने आवाज लगाई, अरे ओमा इधर आ,
माँ को बुलवाते हैं, माँ आई। बाबा ने जलेबी को हाथ से ले लिया और उसी समय पे जलेबी को खाना प्रारंभ कर दिया। बाबा जलेबी खाने लगे, माँ ने कहा अरे बाबा आप जलेबी मत खाओ। क्यों खा रहे हो जलेबी बाबा? आज आपका व्रत है, आपका व्रत टूट जाएगा और जब व्रत टूट जाएगा तो आपका खुदा आपसे रुठ जाएगा। ये बाबा आप जलेबी मत खाओ। बाबा ने कहा माँ मैं ये जलेबी खाऊंगा, मेरा खुदा मुझसे रूठ जाए तो रूठ जाए, मेरा व्रत मुझसे टूट जाए तो टूट जाए, लेकिन एक वृद्ध माँ का दिल नहीं टूटना चाहिए। बाबा ने जलेबी खाया, पुत्र को लंबी उम्र की दुआएं दिए। वही बेटा एक दिन बड़ा हो गया, पढ़ लिख करके बड़ा आदमी बन गया, नौकरी पा लिया। एक दिन वृद्ध माँ बेटे की प्रतीक्षा करते करते रात्रि बहुत हो गई, भोजन को रख दी ढक के और सोने चली गई। बेटा आया और माँ को जगाया नहीं, सो गया। माँ की आधी रात हुई तो नींद खुली, माँ पुत्र के पास पहुंचती है और कहती है बेटा उठ जा, आज तेरा जन्मदिन है बेटा, भगवान की आरती कर ले हाथ पैर धुल के, और सुबह से गया है कुछ खाया नहीं है मेरा लाल, कुछ खा ले मेरे बेटे। कहा जाता है जब कच्चे नींद में किसी को जगा दिया जाता है तो बड़ा जोर से क्रोध आता है। माँ ने पुत्र को कच्चे नींद में जगा दिया, पुत्र बहुत क्रोध से भर आया और कहने लगा अरे ओ माँ तू हट जा यहाँ से, तू माता नहीं तू तो कुमाता है, तुमने तो मेरी सारी नींद ही हराम कर दिया, तू कैसी माँ है। जब जोर से झल्ला के बोला, माँ के आंख में अश्रु धार भर आया, माँ पल भर में खामोश हो जाती है और रोने लगी, कहने लगी अरे बेटे तू कैसा बेटा है रे, जिस दिन मैंने तुझे इस कोख में रख करके 9 महीने पाली, इस बोझ को ढोई और जब तू पैदा हुआ था तो तुझे जन्म देने के लिए मैं पूरी रात नहीं सोई, पूरी रात की नींद हराम की अपनी, तुझसे एक बार भी नहीं कहा अरे पुत्र तुझे जन्म देने के लिए मेरी पूरी रात की नींद हराम हो गई और आज तुझे मैं जगा के दी, तू कहता है कि मेरी नींद हराम हो गई, अरे तू कैसा बेटा है रे। एक माँ इतनी कोमल होती है, उतना कोमल कोई नहीं हो सकता है। एक पुत्र को जन्म देने के लिए माँ अपनी सारी सुंदरता त्याग देती है, लेकिन कई कई संतान ऐसे हैं जो एक पत्नी को पा करके पत्नी के सुंदरता के लिए माँ को हमेशा हमेशा के लिए त्याग देते हैं, ऐसे संतान है आज के जमाने में। हर कलाकार अपने कला का नाम देता है, लेकिन एक हमारी माँ ऐसी कलाकार है जो स्वयं ही पुत्र को जन्म दे करके पिता का नाम देती है। इतनी बड़ी माँ हमारी कहाँ से आई? जब बाहर जाते हो कमा करके आते हो शाम को तो पिता दौड़ते हुए जाता है, कहता है बेटा तुमने आज कितना कमाया। पत्नी दौड़ती हुई जाती है, कितना बचाया। पुत्र जाता है, पापा मेरे लिए क्या लाया। लेकिन एक हमारी प्यारी माँ ही होती है जो दौड़ती हुई जाती है, अपने आंचल से पुत्र के पूरे चेहरे को पोंछती है और कहती है अरे बेटा तेरा मुंह सूखा हुआ, सुबह से शाम हो गया, कुछ खाया कि नहीं खाया। एक माँ ही ऐसी होती है। तो माँ बाप का कर्ज कोई नहीं उतार सकता है। आज के जमाने में लोग माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, और ये कैसी रीति रिवाज है जो माँ बाप बचपन से पुत्र को पुत्रियों को कैसे पालते हैं, कितना कठिन परिश्रम करके जब बच्चे बड़े होते हैं तो माँ बाप को नहीं समझ पाते हैं, और जो पुत्र पुत्रियां अपने माँ बाप को न समझे उसे
आने से पहले भगवान मान डालो, लेकिन ऐसे संतान ऐसे औलाद को जन्म नहीं देना चाहिए। एक बेटा दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, माँ बता तेरा कितना कर्ज है, मैं तेरे कर्ज को आज उतार दूंगा। माँ ने कहा, बेटा माँ का कर्ज उतारने वाला कोई जन्म नहीं लिया है। बेटा ने कहा, माँ आज तक किसी ने पैदा नहीं हुआ जो माँ का कर्ज उतार देगा, लेकिन मैं तेरे कर्ज को उतार दूंगा। माँ ने कहा, ठीक है कोई बात नहीं, अगर मेरे कर्ज को उतारना चाहता है तो तू सिर्फ एक रात के लिए मेरे पास सो जाना। बेटा सोया, माँ आधी रात हुई तो जल मांगती है बेटे से, बेटा मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, मुझे पानी दे दे बेटा। बेटा उठ करके गया और लोटे में जल लेकर के आया, जल को दे दिया। माँ ने जल को पिया और फिर पूरा लोटे का जल उसी बिस्तर पे गिरा देती है। बेटा ने कहा, माँ तुमने पानी गिरा दिया, बिस्तर तो गीला हो गया, मैं कैसे सोऊंगा। माँ ने कहा, बेटा वृद्ध हो गई हूँ, कुछ समझ में नहीं आता, हाथ से लोटा छूट गया। फिर बेटा ने पानी उन्हें साफ किया, फिर सूखे पे सो गया। दूसरी बार फिर माँ ने जल मांगा, बेटा ने कहा, ठीक है माँ जाता हूँ, नींद ही आराम हो गई, क्या करूँ लाता हूँ। माँ को जल ला के दिया, माँ ने फिर एक घूंट जल को पिया, फिर उसी जल को उसी बिस्तर पे गिरा देती है। फिर तीसरी बार कहती है, अरे बेटे मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, जल्दी पानी लेके आ। बेटा गया, कहता रे माँ आज क्या खाया था जो इतना प्यास लग रहा है। देखिए धीरे धीरे बेटे के भाव को देखिए, बेटे का भाव कैसे चेंज हो रहा है, कैसे बदल रहा है माँ के प्रति। तीसरी बार कहता है, माँ क्या खा के सो गई जो इतना प्यास लग रहा है। माँ ने कहा, बेटा वृद्धावस्था हो गई है, बार बार प्यास लगती है। जल ला के दिया, माँ ने पिया, फिर चौथी बार जब जल को गिरा दिया, बेटा बड़ा जोर से झल्ला के बोला, अरे ओ माँ ये क्या कर रही हो, बार बार मैं जल लेकर के आता हूँ और बार बार उसी जल को इस बिस्तर पे गिरा देती हो, पूरा बिस्तर को तुमने गीला कर दिया, अब मैं इस गीले पे सोने जाऊं। बेटा जैसे ही झल्ला के बोला, माँ एक थप्पड़ कान के पास लगा के देती है, कहती है, याद कर आज मैं तुझसे पानी क्या मांग ली, याद कर जब तू छोटा था ना, सिलाई रहती थी, इसी बिस्तर पे तू मल मूत्र कर देता था, कभी रात भर पानी मांगता था, कभी दूध मांगता था, पूरी रात नहीं सोती थी, तेरे लिए रात भर उठ करके देती थी, और यही बिस्तर है इस पे तू मल मूत्र कर देता था, उस मल मूत्र पे मैं सोती थी और सूखे पे मैं तुझे स्वयं सुलाती थी, और आज पानी क्या गिर गया, तू आया था मेरा कर्ज उतारने, तू क्या उतारेगा कर्ज। पुत्र ने माँ का हाथ जोड़ लिया और कहने लगा, माँ मुझे क्षमा करिएगा। तो कोई भी संतान ऐसे नहीं है जो कभी अपने माँ बाप का कर्ज उतार सकते हैं, इसलिए इस चैनल के माध्यम से या किसी भी माध्यम से इस पंडाल में जितने भी लोग बैठे हैं या जो लोग भी सुन रहे हैं मेरे बातों को, आप सब से मेरा दोनों हाथ जोड़ करके निवेदन है कि अपने अपने माता पिता का सम्मान जरूर करेंगे। दुनिया में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन एक हमारी माँ जो है कभी नहीं मिल सकती। होठों पे जिसके कभी कोई बद्दुआ नहीं होती, एक माँ ही होती है जिसके लब पे कभी
बद्दुआ नहीं होती और अपने बच्चों से कभी वो खफा नहीं होती। दुख की घड़ी उसको डरा नहीं सकती, कोई ताकत उसको हरा नहीं सकती। जिस पे मेहर हो अपने माता पिता का, उसको दुनिया मिटा नहीं सकती। मेहनत कई के कितनो रुपया कमैबा, अचरा के सुख बबुआ कतहु न पैबा। सपना न होई कब पूरा हे बबुआ, माई बिना जीने माई भी न जीने की अधूरा। मेहनत कई के कितनो रुपया कमैबा, मेहनत कई के कितनो रुपया कमैबा। अचरा के सुख बबुआ कतहु न पैबा, अचरा के सुख बबुआ कतहु न पैबा। सपना न होए कब पूरा ये बबुआ, माई बिना जीने की अधूरा। माई बिना जीने की अधूरा। चल में तोहरा के पलली, तोहरा के पलली, तेल गरमाई तोहरा दहिया के मलली, तेल गहराई तोहरा के मलली। अपने ना खैली तोहत खियावले, अपने न खैले तोहके खियावले, अपने न खैले तोहके खियावले, अपने न खैले तोहके खियावले। सोचले न कबो तोहर बुरा हे बबुआ, माई बिना जिंदगी अधूरा। ए बबुआ, माई बिना जिंदगी अधूरा, माई बिना जिंदगी अधूरा। ए बबुआ, माई बिना जिंदगी अधूरा। मां
लगने की नाहे चुकैला दूधे वाके देगी नाहे ये जन कैला ओ ममता भोलाई तू नारी में अधुरैला ममता भोलाई तू त नारी में जहैला कितनो करबा हो कितनो करबा कर जाना छूटी कतनो न करबा कतनो न छूटी चाहे भूख बाया किया में छुराए बाबूआ माई भी न जीने ए बाबूआ माई भी न जीने ओ ए बाबूआ माई भी न जीने हो माई भी न जीने धार के हो कितनो पियाई गो माई बिना अमृत के धार के हो कितनो पियाई गो माई बिना कैसे करे जावा राईये भाई गो माई बिना कैसे करे आवे औरी चले के सिखावेली चले के सिखावेली चले के सिखावेली ओ परे एहसान माए दुनिया देखावेली बोले बतियावे औरी चले के सिखावेली मिल जाए अन धन मिल सुख पूरा माई के दुलार बिना सब कुछ अधूरा माई के दुलार बिना सब कुछ अधूरा अचरा ओढ़ा के केहू दूधवा पियाई एगो माई बिना अचरा ओढ़ा के केहू दूधवा पियाई माई बिना को
ओ नौमा कोखिया में रखलू सहेज के, नौमा कोखिया में रखलू सहेज के, रखलू सहेज के हो रखलू सहेज के, ओ दिहलू जन्म माई सारा दुख झेल के, सारा दुख तेज के हो सारा दुख देख के, सारा दुख झेल के माई सारा दुख झेल के, सारा दुख देख माई सारा दुख देख, ओ कैसे गिनाए तोहर कितना उपकार बा, कैसे गिनाए तोहर कितना उपकार बा, रोवा रोवा माई हो तोहर कर्जदार बा, रोवा रोवा माई हो तोहर कर्जदार बा, रोवा रोवा माई हो तोहर कर्जदार बा, ओ कहके कहके जूतियाँ मेरिया अपने अपने माँ से प्रेम किए होंगे, ईमानदारी से हाथ उठाएंगे। एक माँ ही ऐसी होती है जो घर जीतिया, किसी असमंजस में कोई बेटा या कोई फंस जाता है या बच जाता है तो कहते हैं भोजपुरी में तो हर माई घर जीतिया कैले रहली है कि बच गईला, कहते हैं कि नहीं। एक हमारी माँ ही ऐसी है जो जीतिया का व्रत करके और अपने पुत्र का लंबी उम्र की दुआ मांगती है, कई के जीवतिया मेरिया बढ़ाइए गो माई बिना, कई के जीवतिया मेरिया बढ़ाइए गो माई बिना, कैसे करे जा बाजू राईए के धार कितनो भी आई देखो माई बिना, कैसे करे जा बाजू राईए भाईए को माई बिना, कैसे करे जा बाजू राईए भाईए को माई बिना, कैसे करे जा बाजू राईए भाई कहते से। मेरा निवेदन है कि सब कुछ छूट जाए लेकिन अपने अपने माता पिता का सम्मान करना नहीं भूलेंगे। सब कुछ दोबारा मिल सकता है लेकिन एक हमारी माँ ही ऐसी होती है जो कभी नहीं मिल सकती है। एक माँ आज जैसे ही सती मैया अपने माता के घर में आई है, मैया ने कलेजे से लगा लिया, किसी ने सम्मान नहीं किया, लेकिन माँ तो माँ होती है। पुत्री का हाल पूछी, पुत्री का दुख हल्का हुआ। पुत्री ने कहा माँ मैं जरा जाऊंगी यज्ञशाला का दर्शन करने। आज्ञा लेकर के यज्ञशाला के पास पहुंचती है दर्शन करने के लिए और पुत्री देखती है इस यज्ञशाला में सबका भाग नहीं है लेकिन मेरे भोलेनाथ का कहीं भाग नहीं है। ब्रह्मा जी के नहीं आने पे रिक्त स्थान है, दधीची जी के नहीं आने पे भृगु जी महाराज विराजमान हैं, लेकिन उस यज्ञ में भोलेनाथ का कहीं भाग नहीं है।
सती पहुंचती है, सब निंदा करने लगे, अरे बुलाया भी नहीं गया था, फिर भी सती आ गई। आज दक्ष को उल्टी सीधी बानी बोलने लगी, फटकारने लगी, कहने लगी, हे सभासद, जिन जिन लोगों ने मेरे स्वामी का अपमान किया है और जिन जिन ने सुना है और जिन्होंने किया है, किसी का कल्याण नहीं होगा। और हे पिताजी, आपको प्रजापति का पद पाते ही इतना अहंकार भर आया, जो मेरे स्वामी का ही निंदा करना चालू कर दिए। सती फटकार लगाने लगी। बाबा तुलसी कहते हैं, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी सी ने शंकर निंदा। जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। से फल तुरत लहब सब काम, भली भांति पछताव पिता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। काटी तासु जी भुज बसाई, श्रवण मुहूर्ति न चलिया पराई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सकल में कहे है हकारा, ऐसे कहीं जो गया कि तनु जारा, पाया हूँ सकल मख हा तारा। मेरा जोग आदि तनु जारा, भयो सकल मख हा तारा। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मैया सबको डांटने लगी कि हे सभासद, जिन जिन लोगों ने मेरा पति का निंदा किया है, किसी का कल्याण नहीं होगा। और जिस यज्ञ में भोलेनाथ का भाग नहीं होता है, वह यज्ञ विध्वंस हो जाता है। जिसका सम्मान नहीं होता है किसी यज्ञ में बुला करके, उसका यज्ञ विध्वंस हो जाता है। अगर तुम्हारे यज्ञ में कोई आ करके तुमसे दुखी हो जाता है, तो तुम्हारा यज्ञ करने का कोई मतलब नहीं बनता है। आज सती ने कहा, तुमने मुझे दुखी किया है, तुम्हारा यज्ञ विध्वंस हो जाएगा, कल्याण नहीं होगा। और हे पिताजी, आपको इतना अहंकार भर आया, प्रजापति का पद क्या पा लिए, अगर मैं चाहूं तो आपको अभी की अभी मार सकती हूँ। क्यों? क्योंकि सती मैया स्वयं ही जगत जननी जगदम्बे है, स्त्री ही दुर्गा है, स्त्री ही काली है, स्त्री ही द्रौपदी है, और स्त्री ही महाभारत कराने वाली द्रौपदी है। सती कहती हैं कि जगत जननी जगदम्बे, मैं चाहूं आदि शक्ति तो अभी के अभी आपको मार सकती हूं, लेकिन नहीं, मैं आने वाले भविष्य में
बेटियों पे ये कलंक नहीं आने दूंगी कि आने वाले भविष्य में लोग कहेंगे एक पुत्री ने अपने पिता का हत्या कर दिया, मार डाला, इसलिए मैं आने वाले भविष्य में पिता कलंक का हत्या नहीं आने दूंगी अपने बेटियों पे। इसलिए हे पिताजी, इस शरीर को आपने जन्म दिया है, आपने पाल पोस करके बड़ा किया है, इसलिए मैं क्यों नहीं इस शरीर को ही आहुति दे दूं, इस शरीर को ही खत्म कर दूं। सती हवन कुंड में जाती है, एक पग को रखती है अग्निदेव जी, भयभीत होकर के चले जाते हैं। मैया ने स्वयं ही दिव्याग्नि से अपने शरीर को प्रकट करके आहुति दे दिया, उस हवन कुंड में चारों तरफ हाहाकार मच गया। अपने शरीर को त्यागने से पहले, मरने से पहले उन्होंने प्रभु श्री राम जी से वरदान मांगा, क्या ये प्रभु जिस योनि में भी मेरा जन्म हो मुझे शिव जी ही पति रूप में मिले और अनुराग प्राप्त हो उनके चरणों में हमेशा हमेशा के लिए। सती ने क्या वरदान मांगा? सती मरत हरिशन पर मांगा, जनम जनम शिव पद अनुराग। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हरिशन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, ते ही कारण ही में गिरी गिरी है जाई, जन्मी पार्वती तन पाई। हे प्रभु, क्यों
श्री राम जी से वरदान मांगी, क्योंकि जानती हैं कि भोले बाबा सुनते हैं तो सिर्फ राम जी को वरना किसी को नहीं। इसलिए हे प्रभु, इस योनि में भी मेरा जन्म हो, मुझे पति रूप में मुझे शिव जी ही मिले और उनके चरणों में मेरा अनुराग प्राप्त हो हमेशा हमेशा के लिए। जैसे ही शरीर को मैया ने त्यागा, चारों तरफ हाहाकार मच गया कि आज सती ने अपने शरीर को त्याग दिया, हवन कुंड में आहुति दे दिया। देवर्षि नारद जी पहुंचे बाबा के पास संदेश लेकर के, कहते हैं कि हे प्रभु, माँ ने अपने शरीर को त्याग दिया। बाबा ने कहा कि हे देवर्षि नारद, ये तो संसार है, जो आया है उसे तो जाना ही होगा, हम क्या कर सकते हैं। तब देवर्षि नारद ने कहा कि हे प्रभु, आप कहते हैं माँ ने आपकी निंदा सहन नहीं कर पाई, अपने शरीर को आहुति दे दी हवन कुंड में, आप कहते हैं ये होता जाता है। तो बाबा त्रिशूल लेकर के खड़े हुए और जटाओं से एक बाल पकड़ के खींचते हैं, उस बाल से एक वीर पुरुष प्रकट होता है। प्रकट होते ही बाबा ने कहा कि हे बलशाली पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो, हे वीर पुत्र तुम्हारा कल्याण हो। उसका नाम पड़ा वीरभद्र। वीरभद्र से बाबा ने कहा कि हे वीरभद्र, जाओ और दक्ष के यज्ञ को पल भर में विध्वंस कर दो, और विध्वंस करने की बात आओ। इधर जो साथ में पहुंचे हुए थे गण लोग सती जी के साथ में, वो युद्ध छिड़ गई, युद्ध से परास्त होकर के जा रहे थे। तब तक जैसे ही वीरभद्र से मिले रास्ते में, उन्होंने पूछा आप कहाँ आ रहे हो। वीरभद्र ने पूछा क्यों आ रहे हो, चलो मेरे साथ। और वीरभद्र ने जैसे ही वहां से चला, इतनी तेज आंधी तूफान आने लगे, चारों तरफ यज्ञ मंडप में हाहाकार मच गया, आंधी तूफान की बौछार लग गई। लोग चारों तरफ भयभीत होकर के देखने लगे, इससे पहले इतनी आंधी तूफान आज तक कभी नहीं आई। वीरभद्र ने जैसे ही पहुंचा, युद्ध छिड़ गई, जितना प्रसाद बना था पलट करके हवन कुंड में रख देते हैं, और जो गण थे उनसे पूछते हैं और बताओ कैसे कैसे निंदा कौन कर रहा था। गणों ने कहा ये जो दक्ष जी थे वो खूब निंदा पे निंदा कर रहे थे, बोले जा रहे थे, चुप होने का नाम नहीं ले रहे थे। वीरभद्र ने उनके सिर को काट दिया और हवन कुंड में आहुति दे दिया। गणों ने कहा ये भृगु जी हैं, ये खूब अपनी दाढ़ी मटका मटका करके, दाढ़ी हिला हिला करके खूब निंदा कर रहे थे बाबा की। वीरभद्र ने उनके दाढ़ी मोच को उखाड़ लिया और उखाड़ कर उस हवन कुंड में डाल दिया। पूछा थे उनके एक भूसा मारे के उनके 3200 दांत झड़ के हवन कुंड में चला गया। सबको दंड दिए और पल भर में सारे यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। वही सती जो वरदान मांगी थी, सती मरत हरिशन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, ते ही कारण हिमगिरी गृह जाई, जन्मी पार्वती तन पाई। आज वही सती दूसरे जन्म में हिमाचल राज के वहां पुत्री रूप में जन्म ली है। आज बाई को यही बिरा और बाकी की कथा कल आई एक भजन, और देखिए कल शिव विवाह का प्रसंग होगा, शिव विवाह का कथा है, और बड़े ही धूमधाम से कथा होगी। कि श्री वृंदावन धाम अपारे रटे जा राधे राधे, श्री रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे,
सरी राधे 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 अलवेली सरकारे रसे राधे राधे वन में आयो तेने राधा नाम न गायो जो वृंदावन में आयो तो राधा नाम न गायो तू वृंदावन में आयो तेने राधा नाम न गायो जो वृंदावन में आयो तो राधे नाम न गायो तेरे जीवन को देना राधे राधे श्री वृंदावन धाम जपारे रटे जा राधे ये वृंदावन की लीला मती जानो गुड़ी को चीला ये वृंदावन का लीला मती जानो गुड़ बन गीला ये वृंदावन की लीला मती जानो गुड़ को चीला ये वृंदावन का लीला मती जानो गुड़ की लीला या पर ऋषि मुनि गए हारे रटे जा राधे राधे ओ राधे राधे रटे जा राधे राधे बजे जा राधे राधे देखिए ऐसे नहीं दोनों हाथों को उठाइए सीधे दोनों हाथों को ऐसे नहीं और ऊपर और एक साथ ताली बजाते हुए राधे अलबेली सरकारे रटे जा राधे 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 अलबेली सरकारे रटे जा राधे राधे ओ रटे जा राधे राधे बजे जा राधे राधे जप जा राधे राधे बजे जा राधे राधे ओ राधे अलबेली सरकारे रटे जा राधे 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 अलबेली सरकारे रटे जा राधे राधे साथ में यहाँ सती जी ठुमका लग रही हैं शंकर जी पीछे भागे हैं भक्ति में भाव जब तक आप ठुमका नहीं लगाएंगे तब तक आनंद नहीं आएगा ठुमका तो बनता ही एक दोनों हाथ उठा दे जय हो
रूप सावन में आयो तने राधा नाम नगायो सावन में आयो जो राधा नाम नगायो सावन में आयो तने राधा नाम नगायो तेरे जीवन को देखा रे रतिया राधे राधे वृंदावन धाम अपारे रतिया राधे राधे समाए वो मोह प्रेम को रोग लगाए वो दिल बेदा में समाए गयो मोह प्रेम को रोग लगाए गयो नन में साम समाए गयो मोह प्रेम को रोग लगाए गयो नन में शो में समाए गयो मोह प्रेम को रोग लगाए गयो मर जाऊंगी शाम तेरी लटकन पे मर जाऊंगी शाम तेरी लटकन पे मर जाऊंगी शाम तेरी लटकन पे मिट जाऊंगी शाम तेरी लटकन पे वो तो मधुर मधुर मुस्काए गो मोह प्रेम करो वो तो मधुर मधुर मुस्काए गयो मोह प्रेम करोगे लगाए गयो बोलिए राधा रानी की क्या कहती हैं अरे बीते पत्थर पर जिंदगी ना यार राम लगता ना यार राम लगता अरे कहिया घर बने वही बाये बोला घाम लगता देखिए एक मिनट ये सुधीर भैया टेंट तंबू छवाए हैं इस टेंट में बाबा बैठते हैं जब शीत पड़ता है टप 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 पानी छूटता है और ज्यादा तेज धूप भी हो जाता है तो बाबा को घाम लगता है तो इसमें कितने लोग चाहते हैं कि बाबा का घर बन जाए कितने लोग चाहते हैं बोलिए शंकर भगवान की तो जब तक आप लोग सहयोग नहीं करेंगे तो घर कैसे बनेगा आज घर बनना है ना देखते हैं कितने लोग सहयोग कर रहे हैं We'll be right back.
बीते पत्थर पर जिंदगी, बीते पत्थर पर जिंदगी, माया राम लागा था, माया राम लागा था। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। कितने लोग चाहते हैं घर बन जाए? अरे कहिया घर बनवै बाए भोला, कहिया ले घर बनवै बाए भोला राम लागा था, कहिया ले घर बनवै बाए भोला राम लागा था। क्या बात है, हां सही, शंकर भगवान की। बाकी लोगों के लिए कहना है कि जाम छलक गई मगर पीना नहीं आया, अपने ही जख्मों को सीना नहीं आया। जाम छलक गई मगर पीना नहीं आया, अपने ही जख्मों को सीना नहीं आया। लोग तो इस पंडाल में बहुत भरे पड़े हैं, मगर इंसान बनकर जीना सबको नहीं आया। अरे कहिया घर बनवे बाए भोला, कहिया घर बनवे बाए भोला जगमग जगमग ज्योति चली है आरती कर रघु रैया की।
जग मधु जमग ज्योति जली है आरती करू जग मैया की, जग मग ज्योति जली है आरती करू जग मैया की, आरती करू जग मैया की, आरती जानकी मैया की, आरती की रघुरैया के, आरती की रघुरैया के, जग मग जग मग ज्योति जली है आरती करू जग मैया की, जग मग जग मग ज्योति जली है आरती की रघुरैया के, जग मग जग मग ज्योति जली है आरती करू जग मैया की, जग मग जग मग ज्योति जली है ¡Vamos!
किनारे किनारे